एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत ही निर्दयी था, जिसे चाहता मारकर खा जाता। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी, सभी जानवर उससे परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की। सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। तभी उन्हें एक कोने से भिन्न 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 की आवाज सुनाई दी। जानवरों ने मुड़कर देखा, एक मच्छर भिन्न भिन्न करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता न करें, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। सब हंस पड़े, भला छोटा सा मच्छर शेर को सबक सिखाएगा? मच्छर बोला, अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन्न भिन्न मच्छर नहीं। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन्न भिन्न करने लगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया, मच्छर उड़ गया, लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन्न भिन्न करने लगा। अब शेर को गुस्सा आ गया, उसने कान के पास पंजा मारा। मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, पर शेर का कान छिल गया। मच्छर उड़कर शेर की नाक पर बैठा तो उसने मच्छर को फिर पंजा मारा। इस बार शेर की नाक छिल गई। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी उसकी गर्दन पर शेर पंजे मारता रहा। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। वह मच्छर से बोला, मच्छर भाई, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो और मारकर खा जाते हो, अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दिया।